1192 पे मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद दिल्ली पर अपनी विजय हासिल किया, और जैसे कि बाकी इस्लामिक आक्रांताओं की तरह उसने दिल्ली तब की इंद्रप्रस्थ नगरी में व्यापक मात्रा में नरसंहार किया, और फिर उनकी आँख भारत की पूर्व दिशाओं में स्थित राज्यों की तरफ पड़ी, और उन्होंने अपनी कमांडर यानी अपने जनरल जो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन मुख्तियार खिलजी थे उनको वो पूर्वी दिशा में भेजा, और 1192 के बाद से मुख्तियार जो थे वो पूर्वी दिशा में अपनी पूरी सल्तनत की एक्सपेंशन करने लगी। से मोहम्मद मुख्तियार खिलजी की काम था भारत की पूर्व दिशाओं में स्थित राज्यों को कुचलते हुए वो कोस्टल लाइन ऑफ बंगाल जो है बंगोपसागर तक अपने साम्राज्य को विस्तृत करने का। इस वजह से ही बंगाल की कोस्टल लाइन की ट्रेडिंग रूट पर कब्जा जमाने के लिए उनको बंगाल पर कब्जा यानी पूरा ईस्टर्न इंडिया पर कब्जा करना जरूरी था, और इस कारण उन्होंने पूर्व दिशाओं की एक के बाद एक राज्य को कुचलते चले गए, और एक के बाद एक नरसंहार पूर्वी दिशा में संगठित होने लगा। तब पूर्वी दिशाओं में सेनों का दबदबा थी, मिथिला कामरूप दंग कलिंग यानी उत्कल या फिर ईस्टर्न उड़ीसा, इन प्रदेशों में सेनों का दबदबा थी, और ऐसी तरह आगे बढ़ते हुए मुख्तियार मिथिला की प्रांत में स्थित नालंदा नगरी पर पहुंची, और नालंदा में स्थित जो विश्वविद्यालय थी उसको उसने जलाया, वहां व्यापक तौर पर नरसंहार की। और कुछ लेखक तो ऐसे भी कहते हैं कि नालंदा में जो आग लगी थी उन किताबों को जलाने पर, कि वो जो आग थी वो तकरीबन 6 महीने तक जली थी, बहुत तो भिक्षुओं को या और स्थानीय हिंदू जो वहाँ का थे उनके वैसा कर किया गया। एक तरीके से आप कह सकते हो दिस वॉज अ कल्चरल जेनोसाइड ऑन इंडियन एंटीक्विटीज, और इन लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे वो सेनों को पराजित कर सकेंगे, या फिर सेनों की जो कैपिटल थे उस समय गौड़ पे कैसे कब्जा कर सकेंगे, क्योंकि गौड़ जो थे उस समय पूरे ईस्टर्न इंडिया का सेंट्रल पॉइंट थे, और गौड़ में जो एक बार कब्जा कर सकेंगे वो पूरे ईस्टर्न इंडिया को कंट्रोल कर सकते थे, इसीलिए इनके लिए गौड़ को कब्जा करना सबसे ज़्यादा अहम हो गए थे। मगर जीत कर खिलजियों ने बंगाल के तरफ बढ़ने लगे। बंगाल में उस समय महाप्रतापी सम्राट गौड़ेश्वर लक्ष्मण सेन का शासन था। बंगाल के महाराजा लक्ष्मण सेन एक दिग्विजयी सम्राट थे। एक महान योद्धा होते हुए उन्होंने मगध, मिथिला, कलिंग और कामरूप पर विजय किया था। अभी सेन शासन के बारे में कुछ तथ्य आवश्यक है। सेन शासन में राजभाषा थे संस्कृत और गौड़ीय प्राकृत। राजलिपि के लिए बंग लिपि का व्यवहार किया जाता था। पाद गौड़ लक्ष्मी जयति विजयते गलिमत्रत कलिंगान चेतश्चि इक्षिंदश तप्ति वितप्ते सूर्यवत् दुर्जनेषु स्वेच्छम्लेच्छं विनाशं नयति विनायते कामरूपाभिमानं काशीर्भर्तु प्रकाशं हनति विहरते मौर्ये यो मगधस्य। ये श्लोक उमापतिधर सरन की लिखी हुई देववाड़ा प्रशस्ति से उल्लिखित है। महाप्रतापी सम्राट लक्ष्मण सेन अपने दिग्विजय के स्वरूप पूरी, काशी और प्रयागराज में विजय स्तंभ का स्थापना किए थे। उन्होंने गढ़वालों को हराकर गया और कन्नौज जीते थे, और उनके समय उत्तर भारतीय राजनीति में बंगाल एक चमकता हुआ सूरज के तरह उठकर आया था। महाराजा लक्ष्मण सेन एक परम धार्मिक वैष्णव थे, और वे उग्र माधव नृसिंह अवतार का उपासना करते थे। उनके उपाधि थे अरिराज मदन शंकर परम नृसिंह गौड़ेश्वर महाराजाधिराजा लक्ष्मण सेन। उनके राज्यसभा के 5 महान कवि
जयदेव, उमापति हर, सड़न, पवन दूत और धोई, इन पांच कवियों को एकत्रित से पंचरत्न कहा जाता था। महाराजा लक्ष्मण सेन के राजसभा में कवि जयदेव ने महान वैष्णव पदावली गीत गोविंद की रचना की। यह लक्ष्मण सेन के विषय में और एक इंटरेस्टिंग पार्ट यह थी कि लक्ष्मण सेन के नाम का वर्ष गणना पद्धति बंग और बिहार के मिथिला क्षेत्रों में 400 सालों तक चली थी। कुछ हिस्टोरियन ऐसा कहती है कि वो लक्ष्मण सेन की सिंहासन आरोहण की समय में चालू हुई थी और कुछ हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि वो उनके पिता बल्लाल सेन जब मिथिला पर विजय हासिल की थी उस समय लक्ष्मण सेन की जन्म हुई और इस खुशी में उन्होंने एक अब्द की प्रचलन की। अब बंगाल में तुर्कों के साथ युद्ध के बारे में आलोचना करते हैं। खिलजियों ने छटनागपुर और राजमहल पार करके बंग में प्रवेश की ठान ली। इस दौरान बंग में खिलजियों के खिलाफ पहला प्रतिरोध हुआ। ये युद्ध हुई थी अजय और दमोदर घाटी की एकदम बीच में। बख्तियार की सेनाओं की मगध में प्रवेश के बाद गौड़ और मिथिलांचल में सैन्य सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उस समय विक्रमपुर और गौड़ सेन डायनेस्टी की दो प्रशासनिक केंद्र थी और उस जगह पर सैन्य सुरक्षा सबसे ज़्यादा होती थी, जिस कारण बख्तियार गौड़ में आक्रमण नहीं कर सकता था। इस दौरान बख्तियार ने एक तरकीब अपनाई। उसने राजमहल और छोटनागपुर की पहाड़ी इलाकों से बंग में प्रवेश की कोशिश की। सन 1202 में बख्तियार खिलजी राजमहल के जंगलों से बंगाल प्रवेश किए और कांकसागढ़ के जंगलों में अपने डेरा बसाया। यहां सेन भूम के राजा कंकसेन राय खिलजियों के खिलाफ घमासान युद्ध किया। कांकसा घाटी के युद्ध में कंकसेन राय एक सामंत राजा और अपनी सीमित समता की होते हुए भी खिलजियों के डट कर मुकाबला की। जहां बख्तियार के पास थी 50,000 घुड़सवार की प्रशिक्षित सेना, वहां कंकसेन राय स्थानीय उग्र क्षत्रिय वर्ग क्षत्रिय डोम और धाली योद्धाओं के साथ लड़ रहे। खिलजियों की तरफ से सैयद बुखारी और कंकसेन की तरफ से उनके बेटा कनकसेन राय युद्ध के प्रतिनिधित्व कर रही थी। इस युद्ध में खिलजी सेनाओं के अवस्थान पहाड़ की चोटी पर होने की टैक्टिकल एडवांटेज खिलजियों के पास थी। इसके अलावा भी खिलजी ने अपनी सेना की एक छोटी टुकड़ी को दूसरी तरफ तैयार रखी थी। ऐतिहासिक अतुल सूर और बिनॉय घोष के मान्यता के अनुसार राजा कंकसेन राय सदगोप यानी कि बंगाल के यादवों के वंश से था। उनके राजधानी थे कांकसा और वो बंगाल के केंद्रीय सेन शासन के सामंत राजा थे। इस युद्ध में बख्तियार खिलजी की सेनापति सैयद बुखारी मारा गया था, लेकिन खिलजियों के साथ दूसरी लड़ाई में राजा कंकसेन जीत नहीं पाए। यहाँ कांकसा का पतन होता है और खिलजियों ने कंकेश्वर शिव मंदिर को तोड़ दिया था। अब बख्तियार खिलजी घोड़ा व्यापारी की बेस में नवद्वीप के तरफ अग्रसर हुआ। कि किसी गुप्तचर के माध्यम से उनको यह संवाद मिला था कि किसी कारण से लक्ष्मण सेन नदिया में अवस्थान कर रही थी। घोड़ा व्यापारी के वेश में वो लोग नगरी में प्रवेश की और ठीक उनके पीछे पीछे ही 25,000 घुड़सवार कांकसा के जंगल से नवद्वीप की तरफ बढ़ रही थी। इसी कारण कांकसा में कंकसेन राय की पराजय की संवाद महाराजा लक्ष्मण सेन तक नहीं पहुंची थी। नवद्वीप बंगाल के एक महान वैष्णव धार्मिक स्थल है। नवद्वीप केवल एक धार्मिक स्थल होने के कारण वहां ज्यादा सैन्य संयोग नहीं था। बख्तियार खिलजी नवद्वीप के राजप्रासाद में प्रवेश कर निरंतर नरसंहार करने लगे। अरब इतिहासकार मोहम्मद ईस्मी की रचना अनुसार महाराज लक्ष्मण सेन इस समय शस्त्र सह खिलजियों की प्रतिरोध के लिए अग्रसर हुए, परंतु नवद्वीप में ज्यादातर सैन्य संयोग नहीं होने के कारण उन्होंने
पूर्वी बंगाल के सेन राजधानी विक्रमपुर में सैन्य संग्रह के लिए अग्रसर हुए। इस दौरान उनका पुत्र युवराज हेमचंद्र माधव सेन जलंगी नदी के किनारे तुर्कों के खिलाफ अपने सीमित सैन्य संख्या के साथ प्रतिरोध तैयार किया। यहाँ उनकी सहयोग कर रही थी प्रतिहार, कनिष्ठ, दंडिक, दंडपासिक, दंडनायक सेनाओं। ये कोई प्रशिक्षित सेना नहीं थी, एक तरह से आप इसको मान के चलो ये नगर रक्षक यानी आजकल की पुलिस की तरफ फंक्शन करती थी। विक्रमपुर से सेना लेकर महाराज लक्ष्मण सेन शीघ्र ही नवद्वीप लौटे और नवद्वीप में बख्तियार खिलजी की तुर्क सेना के साथ महाराज लक्ष्मण सेन के गौड़ीय सेना का धमासान युद्ध हुआ। प्रतिहार, कनस्थ और दांडिक सेनाओं के साथ विक्रमपुर का पूरा नेवी, एलिफेंट्री और कैवलरी रेजिमेंट यहाँ एंगेज हो गई। अब 25,000 घुड़सवार के ऊपर गौड़ीय सेना हावी हो गई। कवि सड़न और उमापति धर की पंक्तियाँ इस बात की पुष्टि करता है। साधु मृक्ष नरेंद्र साधु भगवत मातव वीर प्रसुरत नीचे नापी धीधेन वसुधा सुखिया वर्तते देवो कुट्यती वस्स वैरी परिजम्माणांक मल्लेपुर शस्त्र शस्त्रमिति स्फुरति रसनापत्रांतराल गिर। इस श्लोक के अनुसार मारांक मल्लदेव महाराज लक्ष्मण सेन लेच्छ नरेंद्र बख्तियार खिलजी को शस्त्र से घायल कर दिया और बख्तियार शस्त्र हरा कर हथियार हथियार चिल्लाने लगे। कहा जाता है महाराज लक्ष्मण सेन हाथी के पीठ में सवार होकर तीर से बख्तियार को घायल किए थे और बख्तियार के हाथ में वो तीर जाके लगा था और बख्तियार हथियार हथियार चिल्ला रहे थे। नवद्वीप के लड़ाई में बंगाल के महाराज लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी को पराजित करते हैं, जिसमें खिलजी सेना भागकर बिहार चले जाते हैं जो कि तत्कालीन मगध रहा करता था, और दिल्ली सल्तनत के चरम समय में भी बंगाल एक स्वतंत्र हिंदू राज्य हुआ करता था। सेन वंश के बाद ही बंगाल में चंद्रदीप हिंदू देव वंश 215 साल तक शासन किए थे। इससे साफ पता चलता है मेडिवल टाइम्स में बंगाल सर्वदा एक हिंदू राज्य बन के ही रहा है।